तबले के इलम के ताल्लुक से कई बार मकाम या मकाम मोहरा इसकी तहरीर करने का मतालबा सामने आया है, और मकाम से मतलब है मोहरे की जगह तलाशना, मकाम तलाशना, जहाँ से मोहरा एक एक हैरान कुन करने वाली शक्ल में मोजज़ा की तरह कारगुजारी करे। छोटे छोटे मोहरों का मकाम या तो अचानक या इल्हाम में हासिल होता है। ये मान लीजिए कि ये कैफियत तजुर्बाकारी और उस्तादों की खिदमत के बिना नसीब नहीं होती। एक छोटे से टुकड़े में रंग भरना, मिजाज ख़ास को अयां करना, अंदाज को तजवीज़ करके तश्कील भी करना, ये बड़ी दानिशमंदी से करने वाला हुनर है, जो कुव्वते फहम है, आदमी की समझ है, वाकूफ है, और कुव्वते मुतखैला है, कल्पना शक्ति है, इमेजिनरी पावर जो है, इसके कयास में मदद करते हैं। और मालिक की नवाजिश हो जाए तो मौका खाली नहीं जाता। गजल के ठादून के वक्त लगने वाले मोहरे कुछ अलग होते हैं, क्योंकि गजल के मोहरों में कुछ हिसाब, उसकी तैयारी और उसकी पेशकारी में ये जो गिनतकारी अकद अनामिल का अहम हिस्सा होता है। तो इस तरह ये तालीमी मोहरे हैं और वो गज़ल के मोहरे, दोनों अलग होते हैं। ये दोनों के अंदाज अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। बस ये तो एक मौका होता है जिसे हासिल करना होता है। कुछ ऐसे मकाम ये अज़ीज़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता है। शुक्रिया।